पिछले दो दशक से के ज्यादा होगा जब से मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक शिक्षक के रूप में तैनात हुआ, तब से लेकर अब तक हर साल कम से कम 22 बार तो हमने हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस मनाया और अब आगे भी शायद मनाते रहेंगे। और मुझे सितंबर महीने में इस हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस के लिए इंतजार रहता है। उस बात के लिए नहीं कि हम यहाँ आए और कुछ हिंदी में आपके साथ वार्तालाप करें, लेकिन इसीलिए क्योंकि तब हमें ये डर होता है कि अभी हमें सब कुछ हिंदी में करना पड़ेगा। रोटी भी हिंदी में होगा, पानी भी हिंदी में होगा, चेक की साइन भी हिंदी में करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बचपन से हिंदी सीखा, हिंदी पढ़ा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हिंदी को समझा और हिंदी को जाना और हिंदी से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम किया। एक भाषा को जब हम प्यार से उस भाषा को अपनाते हैं तो उस भाषा का सही अर्थ हमें पता चलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में आज भी इतने साल के बाद राष्ट्रीय भाषा, जब हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनी, तब से लेकर आज तक हम हिंदी पखवाड़ा और हिंदी ये सिर्फ सितंबर के महीने में क्यों मनाते हैं? हम लोग दिल से क्यों नहीं करते हैं हिंदी के विकास? क्यों हम एक दूसरे अहिंदी भाषी को हिंदी नहीं सिखाते हैं? मैं तो मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे हिंदी शिक्षक जो मेरे साथ है, उनसे मैं हिंदी सही बोलना सीखा। और मेरे जो क्षमा चाहता हूँ, एक इंग्लिश वर्ड का यूज करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरा वो हर साल बढ़ता गया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने हर उम्र में हिंदी को सीखा। पहले तो हिंदी गाना गाना शुरू किया, समझते नहीं थे क्या है वो, माइक में बजता था, विविध भारती में बजते थे तो वो गाना सुनते थे और हिंदी को बढ़िया से। मेरे घर में कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है, हम एक बंगाली परिवार है तो वही आता है जाता है, उतना तक ही बोलते थे घर में। लेकिन मैं ही शायद ऐसा एक प्राणी हूँ उस घर में जो अभी हिंदी आपके साथ मेरे ख्याल से मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ, हाँ या नहीं? हाँ, बोलने की कोशिश करता हूँ। और प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं जितना हो सके सही हिंदी बोलूं, सही उच्चारण के साथ। और प्रयास मेरा ये रहता है कि जो लोकल जो डायलेक्ट है, क्योंकि हिंदी हमारे देश में हर 50 किलोमीटर में बदल जाता है, हर जगह पे अलग अलग हिंदी की हमें सुनाई देती है, लेकिन फिर भी हिंदी हमारे राष्ट्रीय भाषा है। और मैं बहुत फख्र महसूस करता है आसाम के वासिंदा होने के कारण, क्योंकि सबसे पहले जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का ये जो सम्मान देने की बात आई थी तो वो पहली बार हमारे आसाम के जो उस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री, भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर इस देश को एक सूत्र में बांधना है तो हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो मैं इसके लिए बहुत फख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं असम से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये गर्व महसूस होता है कि हम पहले, हमारे देश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए, नहीं तो आज हम लोग शायद तमिल भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो एक एक वोट हुई थी जिसमें हिंदी राष्ट्रभाषा बनी, राजभाषा। तो हिंदी जो है वो सिर्फ सितंबर के महीने में नहीं होना चाहिए, हर बार में, हर रोज हम हिंदी में बात करते हैं। अभी मैं पिछले 4-5 दिन से, जब से ये हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ है, मैं हिंदी भाषी जो हमारे शिक्षक हैं सबको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि हमने शायद बच्चों को दिल तक नहीं पहुंचा
कि अभी हिंदी पखवाड़ा चल रहा है तो कम से कम शिक्षकों को सुप्रभात कहें। हमारे शिक्षक दोस्त जो है वो भी आज भी वही कह रहे हैं जो सितंबर से पहले कहते हैं। तो आप लोग कम से कम सितंबर में तो ये बोलना हो कि प्रयास करें कि सुप्रभात, तभी लगेगा कि हिंदी आपके दिल तक पहुंच रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि हम सभी इस भाषा के प्रति प्रेम से इसके साथ अपना संपर्क, अपना नाता जोड़े और हिंदी के विकास प्रसार में देश के साथ अपना भी योगदान दें। आप सबको बहुत बधाई हिंदी पखवाड़ा के लिए, और मैं वेद सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा नंबर आखिर उन्होंने दे ही दिया। मुझे बोलना था पहले, लेकिन चलिए एक दिन बाद बात ही सही, लेकिन आप लोगों से बोलने की ये मौका जो मुझे दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।